और बगिया चौराहा रोड है। मौके की स्थिति यह है कि यहाँ कमर भर गड्ढा है, लोगों का चलना मुश्किल हो गया है और बच्चे विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं। मेनका गांधी के संसदीय क्षेत्र सुल्तानपुर के बगिया गांव बिरसिंहपुर मार्ग पर कोतवाली क्षेत्र के पालन नगर के पास गन्ना लदी ट्राली पलटने से आज लोग आक्रोशित हो उठे। आक्रोशित लोगों ने मिट्टी ढुलाई का कार्य कर रहे डंपरों के आवागमन को रोककर प्रदर्शन शुरू कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को समझाने बुझाने का प्रयास किया, लेकिन वह टस से मस नहीं हुए। देर शाम एसडीएम और सीओ ने मौके पर पहुंचकर लोगों को आश्वासन दिया, तब जाकर कहीं प्रदर्शनकारी शांत हुए। जयसिंहपुर तहसील क्षेत्र से होकर गुजरे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण में मिट्टी की धुलाई से बिरसिंहपुर बगिया गांव मार्ग पूरी तरह से जर्जर हो गया है। सड़क पर जगह जगह गड्ढे होने से इसमें फंसकर लोग आए दिन घायल हो रहे हैं। ग्रामीणों के मुताबिक बुधवार को गन्ना लेकर सेंटर जा रही 3 ट्रालियां गड्ढे में फंसकर पलट गई। हालांकि हादसे में कोई चोटिल न हुआ। शाम को पाला नगर के पास गन्ना लदी ट्राली पलटने से लोग आक्रोशित हो गए। आक्रोशित लोगों ने जयसिंहपुर कोतवाली क्षेत्र के पाला नगर के पास मिट्टी की ढुलाई कर रहे डंपरों का आवागमन रोक कर प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिससे सड़क पर भारी जाम लग गया। तैयार कर दिया जाएगा और कंपनी के लोग जो भी आ रहे हैं कह रहे हैं कि रोड नहीं बनाएंगे और जो भी करना है आपको कर लीजिए। तो भैया हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं, जब तक रोड हमारा ठीक नहीं हो जाता है तो हम लोग जो है इसी रोड पे धरने पे बैठेंगे। जाम की सूचना पर पहुंचे कोतवाल अनिल सिंह ने लोगों को समझाने का भरकस प्रयास किया, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। देर शाम एसडीएम जयसिंहपुर अरविंद कुमार व क्षेत्राधिकारी बलदी राय राजाराम चौधरी मौके पर पहुंचे। दोनों अधिकारियों ने गुस्साए लोगों को समझा बुझाकर किस तरह आवागमन बहाल कराया। गौरतलब हो कि काफी दिनों से बगिया गांव से बिरसिंहपुर तक की ये पूरी सड़क जर्जर है, जिससे लोगों में आक्रोश है। हाल ही में कांग्रेस पार्टी द्वारा तहसील प्रशासन को ज्ञापन देकर सड़क की मरम्मत कराए जाने की मांग भी की गई थी। इसके अलावा व्यापारी और किसान संगठन भी इसको लेकर कई बार ज्ञापन देकर समस्याओं को दूर करने की मांग कर चुके हैं। समस्या के निस्तारण को लेकर कोई ठोस कदम अभी तक प्रशासन द्वारा नहीं उठाया गया है। एसडीएम अरविंद कुमार ने ग्रामीणों को सड़क पर हुए गड्ढों को भरे जाने का आश्वासन तो दिया है, लेकिन ये आश्वासन कब तक पूरा होगा ये देखना दिलचस्प होगा। सुल्तानपुर से नाउ 44 के लिए रोहित पाठक की रिपोर्ट। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज